हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्कीर। हेलो गाइस, मैं हूं अनस। हेलो गाइस, मैं हूं नोमान। और हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं लता मंगेशकर की, आज जो इंडियन सिंगर थी उनकी डेथ हो गई है, तो उसके ऊपर शोएब अख्तर का वीडियो देखने वाले हैं। व्हेन शोएब अख्तर कॉल्ड लता मंगेशकर जी, तो शोएब अख्तर क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से याद कर रहे हैं उनको, ये वीडियो देखेंगे। इंटरेस्टिंग होगा सुनना, कुछ किस्से, कुछ लम्हे वो जो इन्होंने उनके साथ बिताए होंगे या फिर जो भी है, इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले बाकी बात बाद में करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। पिंडी एक्सप्रेस हैज लेफ्ट द स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू श्वेता यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही उदास कर देने वाली खबर सामने आई, लता मंगेशकर जी की, और वो वफात पा चुकी हैं। मैं वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी समझता था कि 2016 में मैं जब हिंदुस्तान में काम कर रहा था, तो आई हैड नोन स्पीकिंग टू हर ओवर द फोन। मैंने फ़ोन पर बात हुई थी, उनको सलाम अर्ज़ किया और बड़ी खूबसूरत आवाज़ में उन्होंने मुझे जवाब भी दिया और आगे से कहा, बेटा आप कैसे हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ लता जी, आप ठीक ठाक हैं, आप खुश पाश हैं? तो कहते बेटा मुझे माँ करके बुला लो, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, माँ बोलने के लिए बोला माँ जी। मैंने कहा माँ जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, सेहत कैसी है आपकी? तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैंने आपके मैच बहुत देखे, मैंने आपके और सचिन के मुकाबले देखे हैं, सचिन और शोएब अख्तर की जो थी, और मैं आपको जानती हूँ, आपके मैचेस देखती थी, आप बहुत टक्कर रहती थी इनकी, आप बहुत जोर लगा के खेलते थे और बहुत अच्छा खेलते थे, आपका गुस्सा बड़ा फेमस है, अग्रेसिव रहते थे ये पिच पर। उसके साथ साथ उन्होंने एक चीज़ ये भी कही कि बेटा आप उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं। तो मैं कहती आपकी भी उर्दू माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी है। तो कहते हैं हाँ बेटा, मैंने काफ़ी उर्दू शायरी भी पढ़ी है, उर्दू गाने भी बहुत गाए हैं, सारी जिंदगी गाते रहे। तो मैंने कहा बहुत लैंग्वेज में गाने आना चाहता हूँ और ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहता। आप बॉम्बे में, मैं बॉम्बे में हूँ, सॉरी मुंबई में हूँ, तो माँ जी आपके पास आना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ और कुछ बातें करना चाहता हूँ। कहते हैं बेटा ज़रूर आना, ज़रूर आना, और मैंने तुमसे मिलकर बहुत बातें करनी हैं। और फिर कहने लग पड़ी कि बेटा अभी हमारे नवरात्रि के, नवरात्रि नौ रोज़े होते हैं हिंदुओं के मज़हब में, जहाँ पर वो नौ रोज़े रखते हैं। बेटा मैं उनकी पाठ पूजा कर रही हूँ और वो रोज़े रख रही हूँ, उन रोज़ों के बाद अगर आप तशरीफ़ ले आएँ तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने कहा जी मैं मेरे ख़्याल में रोज़ों के बाद मैं चला जाऊँगा, आपके जो नवरात्रि के रोज़े हैं उनके बाद मैं चला जाऊँगा, आप अपनी पाँच पूजा पाठ कर लें, तो मैं फिर इंशाल्लाह वापस बॉम्बे आता हूँ, तो फिर आपसे इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात करता हूँ। तो कहती है आप बेटा जाना नहीं, मिल के जाना। तो मैं हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में, ज़रूर। वो भी चाह रही थी मिलना, बहुत सारा आपको लाड करूँगा, आपसे बहुत सारी बातें करूँगा। और एकदम उनकी टोन चेंज हुई, तो कह रही बेटा पाकिस्तान जा रहे हो? मैंने जी। तो मैं जब टोन की एकदम चेंज हुई, मैं माँ जी खैर है? कहते हैं बातें करते करते एकदम फिर क्या हुआ, उदास आवाज़ मैंने सुनी तो एकदम कहने लग पड़ी, बेटा मेहदी हसन साहब ने रहे। अरे तो मैं एकदम शॉक हो गया। मैंने कहा जी बेटा नुसरत साहब ने रहे और बड़े गुलाम अली साहब ने रहे, मेरे दोस्त ने रहे, लेजेंडरी सिंगर्स थे, नूरजा ने रहे। हाँ एकदम शिफ्ट किया उन्होंने बात की, सारा जो मोमेंटम था शिफ्ट कर दिया। मैं कहा जी माँ जी वो इस दुनिया से चले गए। तो एकदम फिर एक लंबा साइलेंस था, खामोशी छा गई, मैं भी खामोश हो गया, वो भी खामोश हो गया। फिर बातें करने लग पड़ी मेहदी हसन साहब का आपके बारे में, हाँ वो उन चीज़ों को याद करने लगी। मैं क्या सुरीली आवाज़ थी, वो उनको भगवान भी, पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो थे कहते भी गले से भगवान बोलता है, तो एज ए मुस्लिम हम तो ये चीज़ें नहीं कह सकते, लेकिन लता जी कह सकते हैं। लेकिन एकदम उनकी आवाज़ में उदासी छा गई, फिर वो बातें करना शुरू कर दी उन्होंने। तो मैंने कहा जी माँ जी चले तो जाना ही है सपने एक दिन, लेकिन कहते बेटा मेरा बड़ा ताल्लुक था उन लोगों से, बड़ा ताल्लुक था, बड़ा एक टाइम मैंने गुजारा। सही बात है, जाना तो लंबी मुद्दत मैंने गुजारी
मैडम के साथ, मैडम नूरजहान के साथ बड़ी दोस्ती है, बड़ी दोस्ती थी, बड़ा एक वक्त गुजरा मेरा उनके साथ, मेरी बहन थी, मेरी उस्ताद थी और बहुत बड़ी गुलकारा थी और बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी। तो मैं कहा हाँ माँ जी, बहुत अच्छी इंसान भी थी वो। तो मैं समझा कि इंशाल्लाह मुलाकात होगी उनसे। तो बस जैसे बातें करते करते बात से बात ख़त्म होती गई, चलती गई, बनती गई। फिर उनसे मुझे कहती कि आपको मेरा घर पता है? मैं जी पूरे हिंदुस्तान को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरे बरसीर को पता है, आप कहाँ रहते हैं सबको पता है। मैं जी मैं आ जाऊँगा। तो कहना ज़रूर आना। और क्रिकेट छोड़ दिया आपने? मैं जी क्रिकेट छोड़ दिया। मैं चलो शुक्र है बैट्समैन की जान बच गई। मैं हंस पड़ा, सारे हंस पड़े। तुम्हें लाउड स्पीकर सच में जान छूट गई जिन्होंने मेरी बात करवाई थी लता जी से। तो भी हंस पड़े सारे। तो बड़ी दुआएं दी उन्होंने मुझे कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना, कभी चेंज ना होना, जैसे हो वैसे रहना और अच्छे लगते हो दिल के और ऐसे ही रहना। मैं कहा जी ठीक है जी, ऐसा ही रहूँगा, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। ये बात तो सही है, शोएब अख्तर अंदर से बहुत सही बंदा है। खुदा हाफिज़ कहने का टाइम आ गया और अनफॉर्चुनेटली फिर मेरी उनके साथ बात नहीं हुई। उसके बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान के हालात ख़राब हो गए। फिर मैं हिंदुस्तान वापस जा नहीं सका, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी उनसे। बड़ा रिग्रेट है, आना जाना बंद हो गया। फिर दिलीप साहब से नहीं मिल सका, दादा जी से नहीं मिल सका। बड़ा दुख है मुझे कि बहुत बड़े लोग थे, बड़ी खिदमत थी इनकी आर्ट में, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े गुलकारा थे। मुलाकात नहीं हो सकी, इस चीज़ का मुझे हमेशा दुख रहेगा। और मैं जब भी जहाँ भी जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि जो भी बड़ी हस्तियाँ उनको ये रियलाइज़ करवाया जाए, आप बहुत बड़ा हस्तियाँ थी, आपने बहुत बड़ा काम किया इंडस्ट्री के लिए। तो एक छोटी सी मेरी याद थी उनके साथ, तो मैं सोचा उनके लिए शेयर करूँ। उनकी तारीफ में क्या बयान करूँ, बहुत बड़ी आर्टिस्ट गुजरी बड़े सगीर की। और मैं तो मैडम नूरजहान के गाने सुनते सुनते, लता जी के गाने सुनते सुनते यहाँ तक पहुँचे हैं। और बहुत दुख हुआ उनकी वफात का और बड़ा सेटबैक है पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे बरसीर के लिए। और ये मेरी यादें थी उनके साथ, काश मैं उनसे मिल पाता, उनसे बड़ी बातें करता। पूरे एशिया में उनको चाहते हैं लोग। बड़ी ही खूबसूरत उर्दू में बात कर रही थी, बहुत सलीस उर्दू जो होती ना वो उसमें बात कर रही थी। तो मैं बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा था कि उनके साथ मिलता, बैठता, बात करता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका अनफॉर्चुनेट। मैं सोचा ये थोड़ी सी छोटी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ। ये थे शोएब अख्तर, जो एक कहानी बता रहे थे लता मंगेशकर के साथ की, जो भी उन्होंने मतलब करने की कोशिश की थी, मिलने की कोशिश की थी, लेकिन मिल नहीं पाए थे अनफॉर्चुनेटली। कुछ हालात ऐसे हो गए हैं जो कि अब तक ऐसे हालात की इधर से उधर जाना मुमकिन नहीं है, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इधर आना। तो वो हालात पहले नहीं थे, कुछ साल पहले, तब यहाँ पर वहाँ के आर्टिस्ट, वहाँ के लोग यहाँ पर काम भी किया करते थे, इंडस्ट्री में काम किया करते थे, चाहे बॉलीवुड हो चाहे क्रिकेटर्स हो, आना जाना लगा रहता था, दोस्ती बनी रहती थी। तो वो अब वक्त नहीं है। उस वक्त में सोचा था इन्होंने मिलने का, और बहुत प्यारी स्टोरी इन्होंने हमारे सामने रखी लता मंगेशकर से मिलने की। कॉल पर बात हुई थी, मिल नहीं पाए, लेकिन कॉल पर अच्छी बात हुई इनकी, अच्छे सोच समझ के साथ एक दूसरे को इन्होंने जानने की कोशिश की। पहली बार शायद बात हुई होगी इनकी ज़िंदगी में। तो वो किस्सा इन्होंने हमारे सामने रखा, जिसको सुनकर बहुत सही लगा कि पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में क्या कनेक्शन थे। आर्टिस्ट लोग, एक सिंगर है वो क्रिकेट मैच देखती थी, तो ये बहुत सही बात है। शोएब अख्तर को जानती थी, पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स को जानती थी, बाय नेम भी जानती थी, और उनके काम को भी जानती थी कि वो सबसे तेज़ बॉल फेंकते थे, जैसा इन्होंने किस्सा बताया। उस पर मुझे हंसी आई कि तुमने क्रिकेट छोड़ दिया है? तो ये बोले हाँ माँ जी मैंने क्रिकेट छोड़ दिया है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा हुआ कि बैट्समैन लोगों की जान छूट गई, क्योंकि बहुत तेज़ बॉल करते थे, दुनिया की सबसे तेज़ बॉल फेंक चुके हैं शोएब अख्तर, ये भी आज तक रिकॉर्ड कायम है। तो वो एक हंसी मजाक के किस्से, और उससे सीधा टर्न हो जाना उनके दिमाग में, मतलब वहाँ के आर्टिस्ट लोगों का नाम, जैसे मेहंदी हसन है, उन लोगों के बारे में बात करना शुरू कर दी उन्होंने। तो वो सब कुछ चलते चलते
इमोशनल हो गई थी कहानी, इनका कन्वर्सेशन जो था वो इमोशनल हो गया था, लेकिन शोएब अख्तर अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं पाए। तो बहुत सही लगा शोएब अख्तर के मुंह से ये किस्सा सुनकर कि लता मंगेशकर के इतने करीबी रह चुके हैं शोएब अख्तर भी, और वहाँ के बहुत सारे लोग लता मंगेशकर के दुख में हैं आज भी और बहुत पसंद करते हैं, वहाँ के गाने भी सुने जाते हैं, मैंने सुना है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लता मंगेशकर के गाने सुनते हैं लोग पाकिस्तान में भी। तो बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत सही लगा सुनकर कि एक बॉन्डिंग, एक पॉजिटिव वीडियो है ये जो आपको दिखाती है कि हाँ दोनों कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो मिलकर अच्छे पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बहुत सही था वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, अगर पसंद आया तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।